किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आर एंड एस यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़रते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों पर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते दिल्ली आपदा प्रबंधन समिति यानी DDMA ने इस साल पब्लिक प्लेसेस पर गणेश प्रतिमा स्थापित करने की रोक लगा रखी है। इसी के चलते दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए गणेश पूजन कार्यक्रम का आयोजन करेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट दिवाली पूजा कार्यक्रम की तरह ही सभी चैनल्स पर शाम 7 बजे लाइव किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट मौजूद रहेगी, साथ ही यहाँ सिंगर शंकर महादेवन और सिंगर सुरेश वाडेकर भी प्रस्तुति देंगे। आपको बता दें कि इस आयोजन के पीछे दिल्ली सरकार का मकसद है कि सभी दिल्ली वाले एक साथ पूजन करें और बाहर आने से बचे, ताकि कोरोना के फैलने को रोका जा सके। इसके साथ ही सरकार चाहती है कि जब माता पिता अपने बच्चों के साथ पूजा करेंगे तो उनके धार्मिक और देशभक्ति की भावना पैदा होगी और ये पूजन शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को भारत में गणेश चतुर्थी के सुनहरे इतिहास के बारे में जरूर बताएं। एम्स में जल्द ही भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। यह नेजल वैक्सीन के दूसरे और तीसरे लेवल का ट्रायल भी किया जाना है और अगले कुछ दिनों में यह शुरू भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि अभी एम्स में बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और यह लगभग पूरा भी हो चुका है और इस महीने तक इसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। इसके कुछ दिनों बाद बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि नेजल वैक्सीन बच्चों के लिए कारगर साबित होगी। ये नाक के जरिए दी जाएगी, जिससे बच्चों में इंजेक्शन का डर भी नहीं रहेगा। एम्स के मुताबिक ये वैक्सीन के ट्रायल के लिए भी वेंटिलेटर की तलाश शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी ट्रायल शुरू होने में टाइम है, लेकिन जितनी जल्दी तैयारी पूरी की जाएगी ये उतनी ही जल्द शुरू हो सकेगा। आपको बता दें कि फिलहाल 2 साल के बच्चे से लेकर 18 साल तक के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था। इसके रिजल्ट्स आते ही नेजल वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू होगा। नेजल वैक्सीन को नाक के जरिए बॉडी में डाला जाता है। वैक्सीन की मात्रा महज 4 बूंद है। पहली बार 2 बूंद और 2 मिनट के बाद अगली 2 बूंद डाली जाती हैं। इस वैक्सीन को लेकर बताया जा रहा है कि नेजल वैक्सीन कुछ इस तरह से काम करता है जिससे कि वायरस ना तो बॉडी के अंदर जा पाएगा और ना ही नाक के जरिए शरीर से बाहर आ पाएगा और ऐसे में दूसरे लोग वायरस से संक्रमित होने से बच जाएंगे। मुंडका इलाके में आदतों में सुधार लाने के लिए कहने पर अपनी मां की गोली मारकर हत्या करने वाले बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपनी मां की हत्या करने के बाद से आरोपी फरार था। आरोपी पर पहले से एक उगाही का एक मामला चल रहा है। इस मामले में बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद की वजह से पत्नी भी आरोपी से अलग अपने मायके में रह रही थी और बाहरी जिला पुलिस आयुक्त परविंदर सिंह ने बताया है कि आरोपी की पहचान मुंडका के रहने वाला सैनी चौपाल मुंडका संदीप बताई जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि 1 सितंबर की रात पुलिस को मुंडका में एक महिला को गोली मारे जाने की खबर मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। बताया गया कि महिला के गले में गोली लगी थी और पुलिस को मौके से एक खिलौने वाली पिस्टल भी मिली है। महिला की पहचान रोशनी बताई गई है। पता चला है कि उसे उसके बेटे ने गोली मारी है और बेटा शादीशुदा है और उसकी 5 साल की बेटी भी है। आरोपी अपनी बेटी और मां के साथ रहता था और 6 सितंबर को इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने 150 CCTV फुटेज की जांच की है और 400 लोगों से पूछताछ भी की है। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 150 जगह पे दबिश भी दी गई है। जब 7 सितंबर की देर रात आरोपी के इलाके में आने की खबर पुलिस को मिली तो पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसके कब्जे से एक पिस्टल और 6 कारतूस भी मिले हैं। राजधानी में दिल्ली में कैंसर के एक्सपायर और नकली दवाएं बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इससे संबंधित 3 आरोपियों को भी दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पास से दवाइयों के 141 पैकेट बरामद किए गए हैं। वहीं साथ में ड्रग इंस्पेक्टर के आदेश पर इनको जांच के लिए लैब में भी भेज दिया गया है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि आरोपी एक्सपायर के साथ ही नकली दवाइयां भी बेच रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में पैकिंग मटेरियल भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि सारी दवाइयां बांग्लादेश में बनती थी और पूछताछ में भी आरोपियों ने कबूल किया है कि ये दवाइयां एक्सपायर है और ये कुछ नकली भी हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को ये भी पता चला है कि आरोपी मांग के अनुसार सीधे
पेशेंट्स को भी दवाई बेचते थे, साथ ही कुछ मेडिकल स्टोर्स पे भी दवाई बेचते थे। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ करके मामले की जांच कर रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करके दूसरे बदमाशों का भी पता कर रही है। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी। किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट्स। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल्स से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने खब्ज से नजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703-939-436, 9063-383760।